नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद झांसी के थाना चरगांव से घरेलू हिंसा का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला को न्याय पाने के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी के ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को उसके ससुराली जनों ने घर से निकाल दिया है व उसे घर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। महिला की एक 3 वर्ष की बच्ची भी है जो आईसीयू में एडमिट है, जिसका उपचार चल रहा है। आपको बताते चलें कि थाना चिरगांव के हवेलीपुरा अंतर्गत निवास करने वाली दीपमाला सिंह पत्नी रामबाबू सोनी ने अपने पति और सास ससुर पर आरोप लगाते हुए बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उस पर लगातार घरेलू हिंसा कर उत्पीड़ित कर रहे हैं और अब उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है। उसकी 3 वर्ष की बच्ची है जो अस्पताल में एडमिट है और आईसीयू में भर्ती है। उसने बताया कि वह लगातार न्याय पाने के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी झांसी से गुहार लगा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की यह रिपोर्ट। क्या परेशानी हो रही है आपको? सर, मेरा नाम दीपमाला है, मैं चिरगांव से हूँ, हवेलीपुरा जिला झांसी। सर, मेरे साथ इतनी परेशानी है कि हम बता नहीं सकते आपको। सर, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी 23 फरवरी 2021 को मेरे साथ मेरे रात में मारपीट की, काफ़ी कपड़ा घुसेड़ कर। सर, यहाँ मेरे पूरी चोट वोट काफ़ी आई थी। 3 साल की सर मेरी बच्ची है और बहुत ही समझ लीजिए इतना मारा उन लोगों ने मेरे सास ससुर ने, और मैंने उनकी हाल के हाल 100 नंबर और 1090 पुलिस बुलवाई वहाँ से, तो थाने ले गए वो लोग पकड़ कर। उसके बाद रात भर सर हम भटके, थाने वाले बोले डॉक्टरी करा रहे, ले गए सर, मेरी डॉक्टरी नहीं कराई, ऐसी सादा कागज़ पर मतलब डॉक्टर ने लिख दिया, और मतलब जो हॉस्पिटल का कागज़ होता है सर उसी में डॉक्टर ने हमारा लिख दिया, रिपोर्ट कुछ नहीं दी मुझे। और वहाँ से आए सर, हमने फिर हम रात भर थाने में ही रहे सर, थाने में रहे सर। फिर 2:30 बजे रात में हम अपनी 3 साल की बच्ची को लिए भटकते रहे सर, 3 साल की बच्ची को लेकर हम घर आए, और घर पर सर मैंने 24 तारीख को अपना FIR दर्ज कराई वहाँ पर चिरगांव थाने में, तो वहाँ पर पुलिस ने मुझे बहुत धमकाया। AK सिंह दरोगा हैं जो, उन्होंने, और सर संजय गुप्ता सर हैं, और क्या कहते हैं वो वीर बहादुर सिंह हैं, हिमांशु सर ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मुझे मानने को धमकाया और मुझसे कह रहा कि समझौता कर लो। काफ़ी सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं इतनी परेशान सर, मेरी बच्ची है 3 साल की है और सर मुझे घर से निकालने की धमकी देते हैं, मारपीट करके ये लोग घर से फरार हो गए सर। कल की तारीख में सर इन्होंने मैंने 17 तारीख को मेरी बेटी की बहुत हालत ख़राब हो गई थी सर, मैंने 17 तारीख को अपनी बेटी को बचपन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया सर, उसको काफ़ी दौरे वौरे वगैरह पड़ रहे थे सर, और उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस, ICU में एडमिट है। मैंने अपने ससुराल वालों को फ़ोन किया, वो लोग कोई नहीं आया सर, इतना परेशान सर पता, हॉस्पिटल से भी फ़ोन किया सब ने, पर वो लोग कोई नहीं है। मैंने 100 नंबर पुलिस पर डायल करके झांसी से बुलाया, उन लोगों ने भी फ़ोन किया पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया सर, और घर का ताला तोड़ दिया कल की डेट पर, और मेरा सारा सामान निकाल लिया। मैं रुपए निकालने गई घर पर, इन्होंने मेरे साथ रहते ससुर थे और उन्होंने जिसमें वो फरार थे इतने दिन से, कल उन्होंने ताला तोड़ कर अंदर थे वो, हम गए तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैंने 100 नंबर पुलिस बुलवाई, और मैंने 100 नंबर पुलिस बुलवाने के बाद सर वहाँ पर मैंने कहा कि सर मुझे अंदर नहीं आने दे रहे ये लोग, तो सर वो लोग पता जबरदस्ती मुझे घुसने नहीं दे रहे थे और मुझे धक्का दे दिया मेरी सास ने, तो मैंने कहा कि आप मुझे आने क्यों नहीं दे रही, मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है, हमने बहुत गिड़गिड़ाया उन लोगों से, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे। DM कार्यालय में ज्ञापन देने आई हैं? जी हाँ सर, मैं DM कार्यालय में ज्ञापन देने आई हूँ। मैं कल भी भटकती रही यहाँ पर, आई थी तो यहाँ पर छुट्टी थी सर, और मैं झांसी थाने में भी गई थी कल, वहाँ पर मैंने कहा तो सर ने कहा कि आप कल जाना, तो हमने कहा ठीक है सर मैं कल, आज आई हूँ मैं यहाँ सुबह से सर बैठी हूँ, और मैं अपनी 3 साल की बच्ची को एडमिट कराई हूँ, वो वहाँ पर है सर, वो लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे सर, मेरी आपसे हाथ छोड़कर प्रार्थना है मुझे घर के अंदर आने दें और मुझे जान का खतरा है, मुझे मारपीट ना करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।